बढ़िया लगता है। देख रहे वो 4 लाख रुपए का बजट भैया 1,30,000 और भाई सबकी मुझे प्राइस की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने लाखों की शॉपिंग करी है और आप लोग को पता है कि गुच्छी कितना महंगा आता है। रेडी हो चुका हूँ, तो भाई अपन जाने वाले हैं आज सबसे इंडिया के सबसे महंगे मॉल में, जो कि अंबानी जी का। तो भाई वहाँ पर सारी लग्जरी ब्रांड्स मिलेगी आपको, मतलब सस्ती सस्ती ब्रांड मिलेगी नहीं, सारी करोड़ों की ब्रांड मिलेगी वहाँ पर आपको, मतलब गुची, लुई विटॉन और भी बहुत सारी ब्रांड के, देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड है। और भाई सबसे महंगा मॉल है पूरे इंडिया का, तो चलो फटाफट चलते हैं नीचे, अपनी गाड़ी रेडी हो गई है, फिर जो चलते हैं उनके जियो वर्ल्ड प्लाजा। सीधा गाड़ी में आ गया हूँ, तभी का सब पर लगेगा टाइम जियो प्लाजा वाली पहुँचने में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से मतलब एक कोने में है ताज होटल और जियो जो प्लाजा वो भी एक कोने में है। अभी ट्रैफिक तो है नहीं क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए देख कर समय तो देखते हैं ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है। करोड़ों की गाड़ी खड़ी हुई है मैबैक, नहीं एस क्लास मैबैक गाइस, सॉरी मैबैक है। देखो एक बार मैबैक कितनी खतरनाक है, मैबैक देखो गाइस कितने करोड़ों की, कैसे करोड़ों की गाड़ी एक बार देखो कितनी खतरनाक लग रही है बिल्कुल। तो मैं जाना है सीधा लुई बुटान, तो उसके लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा। पूरा मॉल है, तो यहाँ पर खाने का फूड कोर्ट है बिल्कुल अलग तरीका, VIP का लॉन्च, और वहाँ पर देखो वैलेंटिनो ब्रांड और लाइन से ब्रांड है। चलो चलते जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स आती है। ज़्यादा गुची आ गया है, गुची के बाद देखो गाइस रॉयल एक्स के बाद देखते कौन कौन सी ब्रांड आती है, पर सारी महंगी महंगी ब्रांड है। तो गुची बाद में आएंगे, पहले चलेंगे पर सीधा लुई विटॉन, तो उसके आगे हैं अलग अलग ब्रांड्स, तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांड आती रहती है। देखो जिमी चू, उसके आगे बैलेंसी आगा, उसके बाद शायद लुई विटॉन गुची होगा, कल गुची तो चला गया लुई विटॉन होगा, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। कुछ एक्वेरियम भी है इनके मॉल में, तो देखो फिश वगैरह है, बड़ी फिश सारी छोटी फिश ही है, ऐसा कुछ है पूरा ऊपर तक देखो लुई विटॉन। लुई विटॉन का चलते हैं, लुई विटॉन से चले अपन, चलते हैं लुई विटॉन शॉपिंग करने स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। तो लुई विटॉन से लेते हैं शूज़, तो यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत ही स्नीकर्स है, ज़्यादा स्नीकर्स ही नहीं, पीछे सारे स्नीकर्स आके वो रहता है लेकिन बिल्कुल भी स्नीकर्स नहीं है। उसके अंदर टी शर्ट दिखाता हूँ, तुम देखते हो टी शर्ट तो पसंद आ रही है, सनग्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो स्नीकर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। ये तो मैं सोच रहा हूँ फाइनल कर ही दिया जाए, एक नंबर लग रही है ये लुई विटॉन की। तो गाइस ब्लैक वाली तो इतनी अच्छी लुक लग रही है, ब्लैक ब्लैक अपने पास बहुत है, तो अपन खरीदने वाला ही है, तो एक बार देखो गाइस कितनी खत्म, तो अपन इसको फाइनल कर रहे हैं। तो चलो और दूसरी चीज़ देखते हैं, और स्नीकर्स तो मुझे मिल ही नहीं रहे, क्या करें किस्मत में नहीं है। तो गाइस ये वाले सारे शूज़ मिल रहे हैं लेकिन कोई काम के है नहीं बिल्कुल ही, सब बेकारी जूते हैं, देखो आप सिर्फ फॉर्मल जूते हैं कोई काम। देख रहे हो 4 लाख रुपये की मैंने ट्राई करी थी अभी, इसको परफ्यूम ले रहे हैं, 3-4 परफ्यूम ले रहे हैं, आपको बताइए लुई विटॉन के कितने महंगे परफ्यूम्स आते हैं। तो गाइस अपने लुई विटॉन को पहले गाइस अपने शॉपिंग कर ली है, तो गाइस से गुची आ गया, तो गुची के अंदर चलते हैं। तो अपन थोड़ी टी शर्ट शर्ट ट्राई करते हैं, तो अपनी कल यहाँ पर भी स्नीकर्स नहीं मिल रहे हैं, कल अभी लाइसेंस मिला नहीं है, तो जो स्नीकर भी तो नॉर्मल फॉर्मल स्नीकर्स मिल रहे हैं, स्नीकर्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई लोग, देखते हैं क्या चीज़ खरीदते हैं कुछ चीज़ें। तो पूरा स्टोर में सोच नहीं है, फॉर्मल सूट रखे जो कि जो कोई काम के नहीं है, क्योंकि शूज़ तो मिल नहीं रहे, अब क्या करें। मेरी इच्छा थी कि 2 गुची के शूज़, 2 लुई विटॉन के शूज़, बाकी दूसरी और चीज़ें तभी लेंगे, और बैलेंसिया का चलते हैं, बैलेंसिया का शूज़ खरीदते हैं। तो गाइस गुची की टी शर्ट देखो, गाइस बॉडी तो एक नंबर दिखी लेकिन क्या तगड़ी लग रही है गुची की टी शर्ट, तो ये तो पक्की डानी वाली टी शर्ट, मैं डानी कर रहा हूँ फाइनली। आ चुकी है कॉफ़ी पी लिया, सबने बिलिंग हो रही है, ये शॉपिंग हो चुकी है, मेरे पास जा रहा है डियोर, डियोर में कुछ चीज़ें देखते हैं अपनी,
शूज़ वगैरह देखा है, शूज़ ऐसा कई बार मिल नहीं रहे और जिस चीज़ के लाए थे वो तो अपन को बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि उनका शूज़ का लाइसेंस ही नहीं है। 31 के बाद से मतलब शूज़ का जो लाइसेंस है उनका बैन कर दिया है कि जब तक बाहर से कोई सामान ला नहीं सकते क्योंकि इनका सामान सारा इटली वगैरह से आता फॉरेन से, इसलिए ऊपर तो कुछ है नहीं सर। नीचे नीचे ये सारी ब्रांड्स हैं जो महंगी महंगी ब्रांड्स हैं, बाकी आधी ब्रांड तो आने ही बच्चे होगी, थोड़ी बड़ी ब्रांड है सारी बाबा ब्रांड की वॉचेस है गाइस। पीछे जो वॉच की ब्रांड है बहुत खतरनाक है, उसकी प्राइसिंग स्टार्टिंग होती है 1,00,000 रुपये से। अपने वॉच तो लेनी नहीं है, अभी पसीने जा रहे हैं वर्साचे में देखते हैं कि नंबर का शूज़ चाहिए था, नंबर का शूज़ मिला नहीं, कि नंबर को जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, उसका साइज़ सबसे बड़ा है 11 नंबर का शूज़ आता है वो कहीं पर मिल नहीं रहा है। गुची में तो बिल्कुल स्नीकर चाहिए और जिस चीज़ के लिए अपने वो तो अपने बिल्कुल भी नहीं मिली गुची, जिस गुची के स्नीकर चाहिए थे लुई वुटन को देखते, लुई वुटन के भी स्नीकर्स नहीं मिले आपको पता ही है। तो वैसे देखते स्नीकर्स का लाइसेंस कब तक आता है इनके पास, फिर वापस एक बार ट्रिप मारने आएंगे क्योंकि पूरी अपनी ट्रिप की धज्जियाँ होगी। अपन घूमने तो आए नहीं थे, सिर्फ जूते के लिए आए थे। चलते हैं डियोर और डियोर में देखते इस खास डियोर में शूज़ मिल जाए अपन को, देखते हैं अब डियोर में है कि नहीं, क्योंकि इनके पास सबका सबका अपना अपना है। अभी तो लुई वुटन और गुची को लाइसेंस नहीं मिला है, तो डियोर को देखते डियोर को मिलता है कि नहीं मिलता है। और डियोर तो अभी डियोर का शूज़ देखते हैं यहाँ पास खास का शूज़ मिलता है। वैसे तो लिमिटेड शूज़ है, सिर्फ थोड़े बहुत ही शूज़ रखे हैं कहीं शूट किया, तो कहीं यहाँ पर तो स्नीकर्स मिल जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं कौन कौन से स्नीकर्स हैं क्योंकि नमन को या नमन का साइज़ मिल जाएगा तो वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो वेट करते हैं, जूता ले लिया तो मेरी बिलिंग हो रही है, फिर नमन को एक जूता बताना है कि स्टैंड डियोर का। तो नमन वो शूज़ हम सीधा चलते हैं डियोर की शॉपिंग, अब सीधा जा रहे हैं बैलेंसिया का। बैलेंसिया देखते हैं शूज़ है कि नहीं, अपने शूज़ चेक करते हैं भाई। ये सारे शूज़ देख लो भाई, 1,25,000 के शूज़ है सारे, बस यहाँ पर मिल रहे हैं पूरे किसी के पास भी लाइसेंस थी, फिर इनके पास लाइसेंस है बैलेंस का, तो मुझे ज़्यादा शूज़ पसंद आ रहा, तो देखते हैं लेते कि नहीं लेते अपन। तो भाई मैं वर्साचे में आ गया हूँ, एक जो नमन का साइज़ है वो 11 है, तो कहीं भी शूज़ मिल नहीं रहा, अपने सब जगह देख ले बैलेंस का देख लिया, डियोर में भी देखते हैं लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिला, तो सब मैंने ही खरीदा गया। तो अब इच्छा हुई थी मैं वर्साचे के और शूज़ ले लूँगा, लेकिन जो शूज़ लेने आए थे लुई वुटन गुची का वो तो मिला नहीं, तो उसके अपन नेक्स्ट बार फिर आएंगे तो वही लेंगे सीधा। तो गाइस वर्साचे में नमन का साइज़ नहीं मिला यूके 11, हम सीधा लोकल सीधा जाकर लेकर डियोर से ही जो अपन खरीदने आएंगे। ये सारी शॉपिंग कर ली है, तो गाइस अपन लेने थे शूज़ आए थे ट्रेनर्स, और दूसरी चीज़ भी लेना था कि अपन शूज़ जो शूज़ चाहिए थे वो तो मिले नहीं कहीं भी नहीं, जैसे अब लाइसेंस आएगा तो वापस अपन आएंगे। और मेन अपनी जो मुंबई की ट्रिप थी इसी के लिए थी शॉपिंग करने के लिए, तो गाइस अभी देखते कोई कैफे में बैठता है, चलते हैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कितने बैग्स हो गए अपने पास टोटल। गाइस मैंने कुछ कुकीज़ ली है, गाइस मुझे पड़ी 5,000 रुपये की सिर्फ 6 पीस। तो गाइस अंबानी का मॉल बिल्कुल अंबानी जैसा ही है। तो एक बार अपने बैग देखो गाइस, किस्टन डियोर लुई वुटन गुची, तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आधी बैग है अभी तो, और बैग बचे हुए थे, लेकिन अगर जूते स्नीकर्स मिले ही नहीं अपन को, जैसे इतनी बैग है तो अपन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने को स्नीकर्स मिल जाएंगे सारे, क्योंकि तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट टाइम और से ज़्यादा बैग हो जाएंगे। मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली, नमन ने अपनी कर ली, तो मम्मी और दीदी तो रह गए थे, तो भी सीधा जा रहे हैं गुची वापस, तो जिसके लिए गुची से लेते क्योंकि एल्डी में कुछ था नहीं, उसको बैग वैग पसंद आ नहीं रहता, तो सोचा गुची ले तो गुची में से कोई चीज़ पसंद आई, तो देखते गुची में से क्या लेते हैं अपन। तो मैं सीधा रहा हूँ गुची, मेरे पीछे लुई वुटन, तो अभी मैं पी रहा हूँ यहाँ पर कैफे वैसे, तो कैफे महंगा कैफे है यहाँ पर हमारी के मतलब मॉल में, वहाँ मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, फिर अपन सीधा चलेंगे गुची, वहाँ से अपन कुछ देखते हैं दीदी के लिए क्या लेना है और मम्मी के लिए। गुची आ गया तो दीदी के लिए अपन देख रहे हैं, बैट पसंद आया दीदी को, बोल दीजिए उसने बोला था डिमांड करके बैट लेकर आना मेरे लिए, तभी अपन गुची का बैट लेकर आए, फिर मम्मी के देखते हैं मम्मी को जो चीज़ चाहिए वो तो मिल नहीं रही यहाँ पर, अब देखते हैं मम्मी के लिए क्या लेते हैं। दीदी के तो ले लिया अपन ने, दीदी के लिए भी शॉपिंग कर ली है, और भाई सबकी मुझे प्राइस की जरूरत तो है नहीं क्योंकि अपन ने लाखों की शॉपिंग करी है, और आप लोग को पता है कि गुची और लुई वुटन कितना महंगा आता है। तो चलो अब चलते हैं कहीं बाहर कुछ खाने पीने, सीधा गाड़ी में आ गया हूँ, उसके ऊपर एक और आगे मॉल है, सबसे बड़ा एप्पल स्टोर ही है, और ये भी अंबानी का ही मॉल है, अभी अपन इसके अंदर ही जाने वाले हैं, जियो वर्ल्ड ड्राइव, सबसे बड़ा एप्पल स्टोर पूरे इंडिया का, अभी अपन जाने देखते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, ऐसा मतलब लग्जरी ब्रांड्स नहीं है, नॉर्मल ब्रांड्स से देखते हैं जाके, जो तो मॉल में आ गए जहाँ पर सब नॉर्मल ब्रांड्स हैं जैसे एम्पोरियो वगैरह, तो जो मैंने इसकी टी शर्ट यहाँ पहले स्टार्टिंग में सीखा है, तो ये बीच में नीचे एम्पोरियो, तो बस चलो देखते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा एप्पल स्टोर भी है, ये मैंने साइड में आपको दिखा दिया पहली क्लिप में, बड़ा स्टोर है यहाँ पर नाइकी का, तो चलो देखते हैं कभी स्कार्स कभी जॉर्डन वॉर्डन मिल रहा है तो अंदर चलते हैं। जैसे वाइट क्रो स्टोर है, वाइट क्रो बुक्स का स्टोर है, देखो आप जैसा कुछ पूरा मॉल है, बढ़िया लगता है गाइस के, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत बिल्डिंग दिख रही है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है इसके कारण दिख नहीं पा रही है पूरी बिल्डिंग में। 33 फ्लोर्स हैं जिस पर अपन जाने वाले हैं, वैसे तो 28 फ्लोर तक होटल है, उसके बाद 33 पर गाइस यहाँ पर सबसे लग्जरी होटल है भाई, यहाँ का व्यू पूरा बहुत खतरनाक है, मैं चौके को चलकर दिखाता हूँ, बहुत वाव व्यू मिलेगा यहाँ पर, और सबसे लग्जरी होटल है ये। तो गाइस
क्लब से निकल चुका हूँ, अभी अपन चलते हैं सीधा मुंबई का सबसे फेमस बड़ा पाव खाने। अगर मुंबई है तो बड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया, तो मेरा सबसे फेमस बड़ा पाव खाने। तो भाई दे रहा बड़ा पाव चलेगा, अपने बड़ा पाव ले लिया तो मैं सीधा चल रहे हैं होटल। और गाइस ये वाला ब्लॉग अपन यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब थैंक यू वॉचिंग।